हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन मैं उस आपकी इंग्लिश एजुकेटर हम पढ़ रहे हैं क्लास सिक्स की गुलमोहर बुक वेयर वी आर हियर विद द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक यूनिट इलेवन द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज द कैंट विल घोस्ट द कैंट विल घोस्ट मतलब हम यहाँ पे कोई भूत वाली बात कर रहे हैं देर इज अ घोस्ट इन द स्टोरी लेकिन वट अ घोस्ट एंड द घोस्ट वॉन्ट्स टू स्केयर यू लेकिन आप डरो ही नहीं तो तो भूत के भूत होने का मतलब ही नहीं रह जाएगा भूत इडिटेड हो जाएगा अनोयड हो जाएगा होगा या नहीं होगा उसको लगेगा यार लोग मुझसे डर क्यों नहीं रहे हैं ऐसी कोई एक स्टोरी पढ़ने वाले हम बहुत ही मजेदार स्टोरी है।, है भूतिया लेकिन यूमरस रिटर्न बाय ऑस्कर वाइल्ड सो पहले हम ऑस्कर जी के बारे में कुछ पढ़ेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट विद द स्टोरी नाउ दिस इज काइंड ऑफ अ प्ले जो कि काफ़ी सारी थिएटर्स uh, में यूज़ किया गया है इसके ऊपर काफ़ी सारी शॉर्ट स्टोरीज बनी हुई है मतलब जो है ना इसको इनक्ट किया गया है इनैक्ट मतलब लोगों ने इसको काफ़ी ज़्यादा थिएटर में इसको एज अ प्ले एक्ट किया हुआ है तो ये काफ़ी मज़ेदार स्टोरी है नाउ बिफोर वी स्टार्ट अबाउट द ऑथर ऑस्कर वाइल्ड वॉज एन आयरिश राइटर पोएट एंड ड्रामेटिस्ट हु वॉज फेमस फॉर हिज विट एंड फ्लम बोन्स सो यहाँ पर ऑस्कर वाइल्ड जो है एक आयरिश राइटर हैं पोइट है प्लस ड्रामेटिस्ट है, है मतलब ये ड्रामाज लिखते थे और जो कि अपनी समझदारी विट मतलब जो होता है जो एकदम से जो तुरंत आंसर्स देते हैं या एकदम जो होते हैं ना जो बहुत ही फटाफट जवाब देते हैं या अपने इंटेलिजेंस का परिचय देते हैं वो होते हैं विटी तो ये भी काफी वैसे ही थे हिज मोस्ट फेमस वर्कलूड्स इंक्लूड इंक्लूड प्रिंस एंड द अदर स्टोरीज द इंपॉर्टेंस ऑफ बींग ओनस सो आप जब भी इनकी स्टोरी पढ़ोगे उसमें एक ट्विस्ट होता है उस स्टोरी में हमेशा कुछ ना कुछ ह्यूमरस होता है या कुछ विटी होता है और ऐसी ही एक स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं सो बिफोर वी स्टार्ट विद आर प्ले

ज अट स्टोरी विद अ डिफरेंस है तो यह भूत वाली स्टोरी लेकिन छोटा सा है instead of fear and tension, अब पे थ्री ओ क्लॉक नहीं आता यहाँ पे जैसे भूत आता है तो दरवाजा कट 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 करके खुलता नहीं है अचानक से कुछ नहीं होता तो फियर और टेंशन नहीं है यहाँ पे यूमन रूल्स दिन इंस्टेड ऑफ इंटीमिडेटिंग सो इसमें कुछ उल्टा हो रहा है री नहीं है टें टेंशन वाली स्टोरी नहीं है इनफैक्ट बहुत ही ह्यूमरस स्टोरी है और यूजुअली क्या होता है जो ह्यूमन्स होते हैं वो घोस्ट से इंटिमिडेट होते हैं इंटिमिडेट का मतलब होता है डरना ठीक है लेकिन यहाँ उल्टा होता है यहाँ घोस्ट ह्यूमन से इंटिमिडेट होता है सो सोफा नो वन हैज इंसल्टेड हिम इन दिस वे और आज तक इस भूत को जैसे ये ह्यूमन इंसल्ट कर रहे हैं वैसे कभी किसी ने इंसल्ट नहीं किया होगा ही हैज फाइनली मेट हिज मैच इन अ स्पिरिटेड अस्पिरिटेड अमेरिकन फैमिली

सो so, यहाँ पे इस मैंशन का नाम है कैंटविल चेस और इसके ओनर कौन है लॉर्ड कैंटविल मिस्टर एंड मिसेस ऑटिस ये कौन है अ वेल्दी मिडिल अमेरिकन कपल तो जिस अमेरिकन फैमिली की हम बात करें तो उसमें मिस्टर एंड मिसेस ऑटिस हैं देन द ओल्ड हाउस कीपर इस मैंशन के जो बहुत पुराने जो है रखवाले हैं बेसिकली जो हाउस कीपर उनका नाम है मिसेस ओमनी ओके एंड देन जो की इनका सबसे बड़ा बेटा है, का सबसे बड़ा बेटा, जो है उनकी एक मात्र डॉटर एंड ट्विंस है ल्यूस एंड क्लॉर्क दंगेस्ट में घोस्ट नाउ सीन वन पता खुलता है एट द कैंटविल चीज तो अभी हम कहा में है लॉर्ड कैंटविल खुश हूं कि आप ये मैं खरीदना चाहते हो लेकिन बिफोर यू बाई दिस आई हैव समिंग टू टेल यू मुझे आपको कुछ बताना है मिस्टर ओटस इफ यू अगर आप चाहते हैं तो बताइए yes, तो बोलते हैं हाँ मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे एक घोस्ट A ghost? Don't you talk about it? So, Mr. Otis क्या बोलते हैं भूत अरे इस बारे में क्या ही बात करनी Lord Canterville, I fear the ghost exists. I think you should listen to your family to our family story. तो वो बोलते हैं I fear मतलब मैं मतलब मतलब मुझे डर है लेकिन वाकई यहाँ पे एक भूत है और मैं चाहता हूँ कि जो हमारी जो family story है जो हमारे पूर्वजों की story है वो आप सुनो तो मिस्टर ऑटिस बोलते हैं आ वैसे तो मुझे भूत से कोई प्रॉब्लम नहीं है बट ट्राई मी मतलब ठीक है बता दो अगर आप स्टोरी बताना चाहते हो तो लॉर्ड कैंटविल नाउ सेज आई विल टेल यू व्हाट हैपेंड टू माय ग्रैंड आंट द डॉजर डचेस ऑफ बोल्टन सो वो बोलते हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी ग्रेट आंट मतलब मेरी मदर की आंट के साथ क्या हुआ था हु वॉज द डचेस डचेस मतलब जैसे ड्यूक और डचेस एक तरीके से रानी थी वो बोल्टन की आपने कभी भी थिएटर देखा है तो क्या होता है जैसे किसी पर्टिकुलर सीन को फोकस करना होता है उस पर लाइट आ जाती है जब किसी दूसरे सीन को फोकस करना होता है तो यहां से लाइट चले जाती है दूसरे पे आ जाती है. तो यहां पर अब क्या हुआ जो लॉर्ड कैंटविल और मिस्टर के बीच में जो कॉन्वर्सेशन चल रहा है वो अचानक से डार्क हो जाता है और जो दूसरा साइड है वो लिट अप हो जाता है मतलब लाइट वहाँ फॉल करती है थिएटर के दूसरे साइड में साउंड्स ऑफ वुमन स्क्रीमिंग आर हर्ड और वहाँ से किसी औरत के चिल्लाने की आवाज़ आ रही है द बटलर एंड द हाउस कीपर लेट द डिस एंड गिव हर अ ड्रिंक ऑफ वाटर शी सिट्स डाउन टेरीफाइड अब वहाँ पर दिखाते हैं कि एक औरत है हुचेस और वहाँ के जो बटलर हैं और जो हाउस कीपर हैं वो दोनों दौड़ के उसकी तरफ जाते हैं उसको एक चेयर पर बिठाते हैं उनको पानी देते हैं

माई लेडी कम डाउन देर इज नो बडी हेयर लुक you. यू वो बोलते हैं माई लेडी प्लीज कम डाउन आप किसकी बात कर रही हो कोई नहीं छू रहा है आपको देर इज नो बडी अराउंड प्लीज देखिए डट इज सॉबिंग अब वो रोते हुए क्या कहते हैं That थिंक इट हैड इट्स बोनी हैंड्स ऑन मी आई डेंट नोटिस एट फर्स्ट आई थॉट इट वॉज अ ड्रॉट देन आई सॉ दो skeleton हैंड्स उसने बोला कि वो वो चीज़ उसके ना हाथ एकदम बोनी थे मतलब एकदम स्केलेटन जैसे थे सिर्फ हड्डी जैसे थे और पहले मैंने उसे नोटिस नहीं किया मुझे लगा इट्स अ ड्रॉट मतलब क्या है अ ऑफ कोल्ड एयर ब्लोइंग थ्रू रूम कभी कभी क्या होता है आप एकदम से दरवाजा या खिड़की खोलते हो तो बहुत ठंडी हवा आती है तो उसको लगा कि वाकई कुछ हवा आया होगा लेकिन उसके बाद मैंने उसके स्केलेटन हैंड्स देखे फिर मैंने उसके हड्डियों वाले हाथ देखे द डचेस क्रीम्स अगेन एंड फेन्स तो डचेस फिर से जोर से चिल्लाती है और वो बेहोश हो जाती है द साइड वेयर मिस्टर ऑटिस एंड लॉर्ड कैंटरविल आर स्टैंडिंग आर इज लिट अप अब क्या होता है ये स्टोरी वो एक तरीके से फ्लैशबैक बता रहे हैं तो ये फ्लैशबैक बताने के बाद वापस हमारा फोकस आता है लॉर्ड कैंटेविल और मिस्टर ऑटिस के ऊपर सो लॉर्ड कैंटेविल कहते हैं माय ग्रैंड आंट वाज सो फ्राइटन दैट शी नेवर रिकवर्ड फ्रॉम द शॉक उन्होंने बताया कि जो मेरी ग्रैंड आंट थी वो इतनी ज्यादा डर गई थी कि कभी भी वो उस शौक से रिकवर नहीं कर पाई मिस्टर ऑटिस एंड यू वॉन्ट मी टू बिलीव दिस और मिस्टर ऑटिस कहते हैं वाह आपने जो स्टोरी बताई है बहुत अच्छी और आप चाहते हो कि स्टोरी को मैं बिलीव कर लू लॉर्ड कैंटरविल कहते हैं मिस्टर ऑटिस द घोस्ट हैज बीन सीन बाय सेवरल मेंबर्स ऑफ माय फैमिली आफ्टर द अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट टू द डचेस नन ऑफ आवर यंगर स्टाफ वुड स्टे विद अस उसने बोला कि मिस्टर ऑटिस आप मुझ पर बिलीव नहीं कर रहे लेकिन ये जो घोस्ट है इसको हमारी फैमिली के काफी सारे मेंबर्स ने देखा है हमारे इधर पे मतलब ये जो डचेस के साथ ये जो एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद कोई भी यंगर स्टाफ हमारे साथ रहता ही नहीं है लेडी कैंटरविल ऑफ री क्यों क्योंकि जो ये मिस्टीरियस नॉइस होती है जो कॉरिडोर से आती है लाइब्रेरी से आती है उसकी वजह से जो लेडी कैंटोविल है वो रात भर सो भी नहीं पाती तो अगर आपको लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूं मैं मजाक नहीं कर रहा हूं मिस्टर ऑटिस सो यू आर सेंग अब मिस्टर ऑटिस ऐसे हैं जो बिल्कुल भूत में नहीं मानते वो बोलते हैं अच्छा तो आप ये कह रहे हैं लॉर्ड कैंटवेल उन्हें बीच में ही रोकते हैं और क्या कहते हैं वी हैव नॉट केयर्ड टू लिव इन द्लेस आर सेल्व इट गिव्स यू अ स्ट्रेंज स्केरी फीलिंग उसने बोला हम खुद यहाँ पे नहीं रह पाते हैं यहाँ पे रहने से एक बहुत ही स्ट्रेंज और बहुत ही डरावनी फीलिंग आती है मिस्टर ऑटिस माई लॉर्ड I I insist. I will take uh, Chase with furniture and ghost included. oh come on, my lord, मैं आपका ठीक है आपको चाहिए तो आप ले लो अगर आप वाकई इसको खरीदना चाहते हो आपकी मर्जी मेरी जिम्मेदारी थी warn करना मैंने warn कर दिया है मॉडर्न कंट्री वी डू व्हाट वी वांट, वी हैव मनी एंड एवरीथिंग दैट मनी कैन बाय उसने बोला हम एक बहुत ही मॉडर्न कंट्री से आते हैं और हमारे पास काफी सारा पैसा है एंड यू नो हमारे पास जो पैसा है उससे हम जो चाहे वो खरीद सकते हैं लॉर्ड कैंटविल व्हाट इज योर पॉइंट सो लॉर्ड बोलते हैं आप मुझे क्यों बता रहे हो कि आपके पास कितना पैसा है आप कहना क्या चाहते हो मिस्टर ऑटस माई डियर लॉर्ड

लॉर्ड कैंटविल क्या कहते हैं इफ यू डोंट माइंड अ घोस्ट इन योर हाउस इट्स क्वाइट ऑल राइट विथ मी उसने बोला अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है आपके घर में कोई भूत रहे तो मुझे क्या दिक्कत है उसने बोला लेकिन मैं आपको फिर एंड इट ऑलवेज मेक्स इट्स अपेयरेंस बिफोर द डेथी में वो हमेशा अपना अपेरेंस कब करता है किसी की डेथ होने के पहले ही वो अपने आप को दिखाता है लॉर्ड मिस्टर ऑर्टिस वेल सो डस द फैमिली डॉक्टर लॉर्ड कैंटविल तो वो बोलते हैं हाँ तो क्या हुआ जब कोई मरने वाला होता है उसके पहले डॉक्टर भी आता है तो ठीक है क्या दिक्कत है लॉर्ड विद अ नोइंग स्माइल वो एक मतलब एक काफी जानी मानी सी स्माइल देते हैं और क्या बोलते हैं जेंटलमैन इज ऑल योर्स उसने बोला ठीक है आपकी मर्जी आपको लेना है इन सारी चीजों को बताने के बाद भी इफ यू वांट टू बाय दिस देन इज ऑल योर्स अब आपका हुआ अब आते हैं हम सीन टू में इन द लाइब्रेरी ऑफ कैंटविल चेज मिसेिस उमने एंटर्स द लाइब्रेरी फॉलोड बाय मिस्टर एंड मिसेस ऑर्टस वाशिंगटन वर्जीनिया एंड द सो अब फाइनली सेकेंड सीन है जहाँ पे द इंटायर फैमिली है कैसल अब यहाँ पे क्या हुआ जो कैंटविल चेस है उसकी लाइब्रेरी में कौन है सबसे पहले मिस्टर उमने हैं जो मिसेस उमने हैं जो कि वहाँ की हाउसकीपर है उसके साथ पूरी फैमिली एंटर करती है आउट फॉर द फैमिली उनके लिए चाय लगा दी गई है टेबल में दे सेटल डाउन ट्राइंग टू गेट द फील ऑफ दिस एन ओल्ड दिसन वो सब वहां बैठ जाते हैं इस ओल्ड की फील लेते हुए वो लोग वहां बैठ जाते हैं सडनली मिसेस ऑर्टस नोटिस वट लुक्स लाइक अ ब्लड स्टेन सडनली मिसेस ऑर्टस देखती है कुछ खून के धब्बे जैसा था कुछ ब्लड स्टेन जैसा था मिसेस देयर मिसेस स्पिल्डस बोलती है एम अफ्रेड मुझे लगता है मुझे डर है कि शायद वहाँ पे कुछ गिर गया है मिसेस उम ने इन हश्ड वॉइस यस मैडम ब्लड हैज बीन स्पिल्ड ऑन दैट स्पॉट वो बोलती है हाँ मैम वहाँ पे ब्लड जो है वो स्पिल हो गया है मिसेस ओह, रियली? रियली यू नो, आई डोंट केयर फॉर ब्लड स्टेन आई वॉन्ट इट रिमूव डेट वंस उसने बोला ओके ब्लड स्टेन है कोई बात नहीं जाओ उसको रिमूव कर दो मिसेस उम ने इन द सेम हाइस्ट वॉइस वो धीरे से बोलती है क्या बोलती इट इज द ब्लड ऑफ लेडी एलनो द कैंटविल हु वॉज मर्डर्ड ऑन दैट वेरी स्पॉट बाई हर ओन हसबेंड सर सिमोन द कैंटविल इन फिफ्टीन सेवेंटी फाइव अब जो वहाँ पे जो मिसेस उमने हैं वो क्या बोलते हैं कि मैम ये जो ब्लड स्टेन है ये है लेडी एलिन का एलिनॉर द कैंटविल जिनको उनके हसबैंड ने उसी स्पॉट पर मारा था उनके हसबेंड का नाम क्या था सर सिमोन द कैंटविल और कब मारा था फिफ्टीन सेवेंटी फाइव में मारा था नाइन ईयर्स आफ्टर द मर्डर ही डिसअपियर्ड और उस मर्डर के नौ साल बाद वो अचानक से

उट अ स्माल स्टिक ऑफ स्टेन रिमूवर फ्रॉम हिस्स बैग एंड ओवर द स्टेन वॉशिंगटन बोलता है क्या नॉनसेंस बात हो रही है रहने दो वो अपने जो है बैग से एक स्टेन रिमूवर निकालता है और उसको रिमूव कर देता है वहां से

आई हैव नॉट क्लोज माई आईज इन स्लीप ड्यू टू द ऑफुल थिंग्स दैट हैपन्ड हियर उसने बोला सर मैंने अपनी आँखों से जो चीज़ें देखी है वो किसी को भी डरा देंगी मतलब मेक एनी वन हेयर जैसे आपको डर लगता है तो, तो, तो बाल खड़े हो जाते हैं तो बेसिकली इट कैन फ्राइटन एनी वन और एक बार नहीं मैंने बहुत बार देखा है और उसकी वजह से मैं कितनी रातों से सोई नहीं हूँ क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें होती हैं उन चीज़ों के कारण ओके okay, right, तो okay, चलो कोई बात नहीं आप रिलैक्स करो यहाँ पे डरने जैसा कुछ नहीं है हमें भूतों से कोई डर नहीं लगता और बच्चे हंसने लग जाते हैं अब आता है सीन थ्री इन द मॉर्निंग इन द लाइब्रेरी दफ्टर सो ल्यूस जो अब ल्यूस कौन है जो वन ऑफ द ट्विन वन ऑफ द ट्विन ब्लड स्टेन इज बैक द घोस्ट मस्ट है वाह देखो ब्लड स्टेन वापस आ गया है जरूर भूत वापस आया होगा

आएगा मैं उस पर जंप करके उसको पकड़ लूंगा दे अबाउट कैचिंग अ घोस्ट ओके सो ल्यूस लेट्स कम विद हिदउट टू नाइट हम लोग अपने तकिए लेके यहां पे आ जाते हैं कंफर्ट इज इंपोर्टेंट नाउ लेट्स कम टू सीन फोर नाइट मिस्टर ऑटिस इज़ असलीप इन इन हिज रूम द लाउड साउंड ऑफ क्लैंकिंग मेटल इज़ हर्डिस मिस्टर ऑटिस वेक सब सडनली तो रात का टाइम है मिस्टर ऑटिस जो है वो अपने रूम में बहुत चैन से सो रहे हैं अचानक से एक ज़ोर से मेटल की आवाज़ आती है क्लैंक करने की मतलब टन तरीके से आवाज़ आती है वो एकदम से उठ जाते हैं मिस्टर ऑटिस वॉट ऑन अर्थ इज दैट साउंड वेट इट्स गेटिंग क्लोजर नो आई एम नॉट इमेजिनिंग थिंग्स नाउ आई कैन हियर फुटस्टेप्स अब मिस्टर स्टेप्स बोलते हैं ये क्या आवाज़ थी फिर बोलते हैं ओ माय गॉड ये आवाज़ तो पास में आ रही है बोलते हैं nah, nah, no, नहीं नहीं मैं इमेजिन कर रहा हूं नो मैं इमेजिन नहीं कर रहा हूं चीजें अब मुझे फुटस्टेप्स भी सुनाई दे रहे हैं ही टेक्स अ स्मॉल बॉटल ऑफ ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल आउट ऑफ अ केस एंड ओपन्स द डोर वो जो है फिर क्या करते हैं एक ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल होता है मतलब चिकना सा ऑयल जो होता है उसको लेते हैं और दरवाजा खोलते हैं There, right in front of him, he sees in the pale moonlight an old man. फिर वो जस्ट अपने सामने एक हल्की सी जहाँ पे जो है चाँद की रोशनी आ रही है वहाँ देखते हैं एक old man खड़ा है। His eyes are red like burning coals. He has long grey matted hair. He wears old-fashioned dirty clothes and his wrists and ankles are bound by rusty chains. तो so, उनकी अब ये जो मैन उनके सामने खड़ा है उसकी आंखें कैसी एकदम रेड बर्निंग कोल जैसी उसकी आंखें हैं उसके बल, बड़े बड़े ग्रे कलर के हेयर हैं मैटेड का मतलब क्या होता है एकदम टेंगल्ड नॉटेड जिसकी मतलब बहुत टाइम से जिसे कोम नहीं किया हो और वो बहुत ओल्ड फैशन डोटी क्लोथ्स पहने हुए हैं उनने और उनके जो रिस्ट हैं और जो उनके एंकल्स हैं वो पूरे जो है चेन्स में लिपटे हुए हैं सिर्फ वो बंधे हुए हैं मिस्टर ऑटिस गुडनेस मी माय डियर सर यू कैन नॉट गो क्रीकिंग अबाउट लाइक दिस आई इंसिस्ट दैट यू ऑयल योर चेंस अब नॉर्मली क्या होगा कोई इंसान डर जाएगा ना कि ओ माई गॉड ये कौन है लेकिन इसने क्या कहा गुडनेस मी सर आप ऐसे नहीं घूम सकते आपको अपनी चेन्स में ऑयलिंग करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा हवास हो रही है आई विल लीव दिस बॉटल ऑफ ऑयल फॉर यू इट इज़ सेट टू बी वेरी इफेक्टिव मैं ये बॉटल ऑफ ऑयल आपके लिए छोड़ के जाता हूँ ये ना बहुत अच्छा काम करती है डू अपलाइट ऑन योर चेन्स एंड लेट मी नो इफ़ यू नीड मोर एंड नाउ गुड नाइट सर बोलते हैं ये ना ऑयल रखो आप अपनी चेन्स में लगाना ताकि इतनी जो आवाज़ आ रही है ना वो आवाज़ नहीं होगी मेरी मेरे को नींद आ रही है मुझे सोने जाना है तो क्या है थोड़ा सा आप लो अगर आपको लगे तो आप झिझक मत और मांग लेना मैं आपको और ऑयल दे दूंगा ठीक है लेकिन प्लीज़ ये आवाज़ कम कर दो थोड़ी सी मिस्टर ऑटिस गोड्स बैक टू हिस्स रूम एंड क्लोज इज डो वो अपने रूम में वापस जाते हैं और जाके सो जाते हैं द कैंटेबल घोस्ट अब वो घोस्ट बोलता है हाउ डेयर ही हाउ डेयर ही लाफ एट मी ओ देर सो मच फॉर दिस एडवाइस फॉर ग्रीसिंग ही थ्रो द बॉटल अवे वॉच मी अब कैंटेबल घोस्ट को दिमाग खराब हो जाता है वो क्या बोलता है इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की अच्छा तो ये इसने मुझे ऑयल दिया है ग्रीस करने के लिए अब मैं इसे बताता हूँ वो बॉटल फेंक देता है और बोलता है अब मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ ही थ्रोज अ ग्रीन लाइट अराउंड हिमसेल्फ एंड फिल्स द एयर विद हॉलिबल ग्रोन्स एज ही गोज अप द स्टेप्स वो अपने चारों तरफ एक ग्रीन लाइट लेके आ जाता है और जैसे जैसे ऊपर जाता है तो उसके पास से बहुत भयानक आवाजें आनी होती हैं द ट्विंस अपेयर एट द टॉप ऑफ द स्टेयर्स और वो जो दोनों जो बच्चे हैं वो स्टेयर्स के सबसे ऊपर खड़े हुए हैं ट्विंस कॉट्यू अब उन्हें कायदे से डर लगना चाहिए लेकिन वो बोलते हैं पकड़ लिया दिट सो दिलो एट वो जो पिलो होते हैं वो घोष के ऊपर मारते हैं और से भाग जाता है अब आते हैं हम सीन फाइव में घोस्ट फ्यूरियस बहुत ज्यादा गुस्से में है घोस्ट आई विल हैव माई वेंजेंस मैं अपना बदला लूंगा वेंजेंस मतलब बदला लेना डू दे नो who आई एम क्या उन्हें पता भी है मैं कौन हूँ डू दे नो वट have made? आई इन्हें पता है कि मैंने कैसे डरावने 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 जो हैं अपियरेंसेज बनाए हैं सीन द can क्रिएट मतलब उनको पता है कि मैं कैसा अचानक से एंग्री बिहेवियर क्रिएट कर सकता हूँ उ डेयर दे उनकी हिम्मत कैसे हुई दीज अमेरिकन्स द गर्ल टू आस्कू ग्रीज माई ओन चीज इन अमेरिकन और द गर्ल गर्ल मीन्स क्या होता है मतलब वो उस आदमी के बारे में बात कर रहा है कि मतलब वो मुझे ऑयल दे रहा है कि मैं अपनी ही चीज को ऑयल करूँ एट माई एंड दो

तो जो हम बॉलिंग करते हैं उसमें क्या होती है नाइन आपके पास पिंस होती है ना एक बॉल को आप रोल करते हो तो वो बोल रहा है कि एंड आई अ घोस्ट हु कैन प्ले नाइन पिंस विद माय ओन बोन्स मैं अपनी ही हड्डियों के साथ नाइन पिंस खेल सकता हूँ ये लोग मुझसे इस तरीके से बात कर हैं फिर वो बोलते हैं अपने आप को बोलता है ओके काम डाउन रिलैक्स आई हैव टू थिंक दिस थ्रू मुझे इस बारे में अच्छे से सोचना पड़ेगा कोई घोस्ट की ऐसी इंसल्ट तो नहीं हुई है लास्ट लाफ हाउ डेर यू मेरे को लेना है, मुझे बदला लेना है आई विल है लास्ट लाफ मतलब आखिर में मैं इन लोगों के ऊपर हंसूंगा हाउ डेयर यू अडेप्टेड फ्रॉम स्टोरी बाई ऑस ग वर्ल्ड तो अब आगे क्या होता है वो और भी मज़ेदार है सो इफ यू वॉन्ट टू नो यू हैव टू रीड दिस पर्टिकुलर नॉवल इट इज़ अमेजिंगली इंटरेस्टिंग अब किस तरीके से अभी तो भूत को सिर्फ एक बार गुस्सा आया उसने सोचा है मैं इन लोगों से बदला लूंगा लेकिन अब भूत क्या करता है और फिर फैमिली क्या करती है इट्स गोइंग टू बी हिलेरियस सो प्लीज इफ़ यू कैन रीड दिस स्टोरी सो वी आर डन हियर थैंक यू सो मच एंड इन आर नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स एंड ग्रामर सोल्यूशन ऑफ दिस चैप्टर और ये सारे वीडियोज आपको कहाँ मिलेंगे हमारी वेबसाइट पे मैग्नेट्स डॉट कॉम जहां पर क्लास फिर आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे और आपके पास टॉपिक वाइज सारे वीडियोज आ जाएंगे टॉपिक सेलेक्ट करना एंड देन वी आर डन सॉर्टेड सो दिस वॉज इंटरेस्टिंग राइट बहुत अच्छा चैप्टर था इफ यू लाइक दट डो नॉट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टेक केयर ऑफ योर सेल्फ बाई